Good morning everyone, welcome to the next lecture of mechanical vibration. In this lecture we will learn about the undamped free vibration of our single degree of freedom system. इस लेक्चर में हम पहले लर्न करेंगे कि फ्री वाइब्रेशन क्या मतलब क्या होता है, अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम कौन सा होता है, और उसके बाद एक हम एग्जाम्पल लेंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे कि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेटिंग सिस्टम को कैसे एनालाइज करते हैं, हाउ टू एनालाइज अवर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है। फ्री वाइब्रेशन का मतलब पहले आप देखिए व्हाट इट मींस बाय द फ्री वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन मींस व्हेनेवर देयर इज ओनली इनिशियल डिस्टरबेंस इज देयर। ठीक है, इस ये आपका सिस्टम वाइब्रेट करेगा विद द हेल्प ऑफ ओनली इनिशियल डिस्टरबेंस, ओनली इनिशियल डिस्टरबेंस। यू विल प्रोवाइड ओनली इनिशियल डिस्टरबेंस फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। आप उस वाइब्रेटिंग उस सिस्टम को उसके मीन पोजिशन से डिस्टर्ब करोगे, बट यू विल नॉट प्रोवाइड एनी एक्सटर्नल फोर्स, no external force। इनिशियल डिस्टर्बेंस प्रोवाइड करोगे बट एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट जो एम्पलीट्यूड रिमेन्स सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चाहे कितनी भी बार वो वाइब्रेट कर ले उसका एम्पलीट्यूड सेम ही रहेगा, बिकॉज देयर इज नो डैम्पिंग, डैम्पिंग नहीं है इसके कारण एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी और एम्पलीट्यूड क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस जो फ्री वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल बी कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो अपने ऑन नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा। कभी भी फ्री वाइब्रेशन में जो सिस्टम वाइब्रेट करता है वो अपनी ऑन नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है। विल वाइब्रेट विद इट्स ऑन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, विद इट्स ऑन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो फ्री वाइब्रेशन के ये कॉन्सेप्ट है, इनिशियल डिस्टर्बेंस प्रोवाइड करते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया गया था, अपनी ऑन नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है सिस्टम और उसका एम्पलीट्यूड सेम रहता है विद इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। सपोज कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है, सपोज दिस इज स्प्रिंग दिस इज मास। आपने इस सिस्टम को इनिशियल डिस्टर्बेंस दे दिया, इसको नीचे ले लिया। ठीक है, तो मान लीजिए आपने इसको इस पोजीशन पे ले आए, पहले यहां पर था, आप इसको यहां पर ले आए, कुछ भी अमाउंट मान लीजिए एक्स अमाउंट आपने इसको क्या करते डिस्टर्ब किया, इतना डिफ्लेक्ट किया और उसके बाद इसको यहां पर रिलीव कर दिया, छोड़ दिया। तो अब ये क्या करेगा, इस पोजीशन के अबाउट, मेन पोजीशन के अबाउट ना क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। किससे करेगा, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, जो कि क्या होती है, रूट के बाय। और एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड विल बी सेम, जो आपका ये एक्स अमाउंट है ये एक्स ही रहेगा, एक्स ऊपर जाएगा एक्स नीचे जाएगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड विल बी कॉन्स्टेंट। इस टाइप के सिस्टम को हम फ्री वाइब्रेशन सिस्टम बुलाते हैं, इसके अंदर कोई डैम्पर नहीं होता है, देयर इज नो डैम्पिंग एलिमेंट, ओनली टू एलिमेंट्स आर देयर, मास एंड स्टिफनेस। तो फ्री वाइब्रेशन के अंदर दो ही एलिमेंट होते हैं पूरे सिस्टम में,
मास और स्टिफनेस, कोई डैम्पिंग नहीं होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वाइब्रेटिंग सिस्टम है उसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है जहां पर सिंगल कोऑर्डिनेट से आप उसके मोशन को डिस्क्राइब कर सको। ठीक है, जो वाइब्रेटिंग सिस्टम है इट रिक्वायर्ड ओनली सिंगल कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब इट्स मोशन। सिंगल कोऑर्डिनेट या वन कोऑर्डिनेट, सिंगल कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द मोशन। जो वाइब्रेटिंग सिस्टम का मोशन है उसको आपको स्पेसिफाई करने के लिए सिंगल कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम, दिस इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम। वाइब्रेटिंग सिस्टम ये एनालाइज करने के लिए बहुत सिंपल होता है, सिंपल टू एनालाइज, दिस इज वेरी सिंपल टू एनालाइज, सिंपल टू, इसको समझना, इसको सॉल्व करना काफी इजी होता है। को जो भी सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है उसको एनालाइज आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर सिंगल मास, सिंगल स्टिफनेस ऑब्जेक्ट होगा, एक ही मास होगा और एक ही स्प्रिंग होगी। ठीक है, तो अब जो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कुछ मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ डिवाइस होते हैं जिनको हम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम एज्यूम कर सकते हैं विद सम अजम्पशंस। आप कोई सिस्टम है उसको सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम मान सकते हो विद सम अजम्पशंस। तो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सपोज कोई आपका ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर एक कॉलम है और कॉलम के ऊपर आपका कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इट मे बी ट्री, आप इसको वैसे समझ सकते हो, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपका यहाँ पर है मैक्सिमम। ठीक है, ये है, अब इसको मास यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मैक्सिमम मास यहाँ पर है। ठीक है, स्टिफनेस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बस जो मेन स्टिफनेस ऑब्जेक्ट है वो ये है। तो इस सिस्टम को आप सिंगल मास सिस्टम मान सकते हो, पहली बात तो आप इसके मास को इग्नोर कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो, तो दिस सिस्टम कैन बी ट्रीटेड एज दिस, वेयर k इज द स्टिफनेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड m इज द मास। तो आपने इस सिस्टम को सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम एज्यूम कर लिया विद सम अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या है, आपने इस ऑब्जेक्ट के मास को नेगलेक्ट कर दिया एंड यू नेगलेक्ट द स्टिफनेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो ये दो अजम्पशंस लेके हमने इस सिस्टम को इस टाइप से एज्यूम कर लिया। तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम एज्यूम करने के लिए आपको सिंगल मास में सिंगल मास बनाना पड़ेगा उस सिस्टम का और सिंगल स्टिफनेस। ठीक है, तो ये मतलब होता है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। अब सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मेरी फ्री वाइब्रेशन है, इसको एनालाइज करने के कुछ प्रोसीजर होगा, आप देखते हैं प्रोसीजर, हाउ टू एनालाइज। अब आपको समझ में आ गया फ्री वाइब्रेशन क्या है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या, अब हम देखते हैं प्रोसीजर क्या है इसको एनालाइज करने के लिए। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट आर द स्टेप्स बाय व्हिच यू कैन एनालाइज द सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रोसीजर टू एनालाइज, प्रोसीजर टू एनालाइज। एनालाइज करने का क्या प्रोसीजर, देखिए फर्स्ट प्रोसीजर वही है, सेलेक्ट दी सूटेबल कोऑर्डिनेट। पहला होगा कि कोऑर्डिनेट, सूटेबल कोऑर्डिनेट लीजिए उस सिस्टम को आपको स्पेसिफाई करने के लिए। अब ये कोऑर्डिनेट हो सकते हैं कि आपका अगर रोटेशनल टाइप का वाइब्रेशन है तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे आपको, आपका ट्रांसलेटरी टाइप की वाइब्रेशन है तो डिफरेंट लेना पड़ेगा, ट्रांसवर्स है तो डिफरेंट लेना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा। दैट मीन्स सेलेक्ट सूटेबल कोऑर्डिनेट, फर्स्ट स्टेप क्या हो गया,
select suitable coordinate. Suitable coordinates. ठीक है, आपने इसका सबसे पहले suitable coordinate decide करनी है कौन सा होगा, whether rotational, translational depend करेगा. ठीक है, next अब आपको ये disturb करना है, जो सिस्टम है आपका उसको आपको इनिशियल डिस्टर्बेंस देनी है. ठीक है, डिस्टर्ब द सिस्टम. ठीक है, सिस्टम के मास को डिस्टर्ब द मास ऑफ द सिस्टम, डिस्टर्ब द मास फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. मीन मीन पोजीशन से आपको उसको कुछ डिस्प्लेस करना है और कुछ डिस्टर्ब करना है. ठीक है, और डिस्टर्ब करने के बाद आपको उस सिस्टम को वहां पर वाइब्रेट होने के लिए छोड़ देना है. ठीक है, अब हम इसमें बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम. क्या बनाओगे आप इसमें, ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम. अब आपको जब ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा तो कुछ फोर्सेस एक्टिव और रिएक्टिव फोर्सेस लगेंगे और वो आपको शो करना है. किस पे बनाओगे, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास एलिमेंट, ऑफ द मास एलिमेंट. उसके दो ही एलिमेंट है, देखो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम. तो एक ही मास है, एक ही आपका स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को तो मास लेस ले लिया आपने, तो क्या बचा जिस पे आप फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना सकते हो, ओनली मास. फ्री बॉडी डायग्राम आपने बना लिया, उसके बाद आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना है जिससे आपको सॉल्यूशन मिल सके उसका. ठीक है, नाउ अप्लाई अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन. और सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मास, मोमेंटम ऑफ मास इक्वल टू द फोर्स अप्लाई, इक्वल टू द फोर्स अप्लाई. यही थी स्टेटमेंट आपकी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, आप उसको ऐसे समझ सकते हो. अब क्या है, रेट ऑफ चेंज डी बाई डी टी ऑफ एम वी, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, इक्वल टू किसके है, जो फोर्स अप्लाई है, जो नेट फोर्स अप्लाई है. ठीक है, तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो, मास कांस्टेंट है, डी बी बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी बी बाई डी टी इक्वल टू एफ, दैट मीन्स एम इंटू ए इक्वल टू एफ. तो ये आपको लगाना है वहां पर, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स. तो जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बना दोगे तो आपको क्या लगाना है वहां पर, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग सिस्टम इक्वल टू नेट फोर्स जो आपका लग रहा होगा. तो ये चार स्टेप आपको फॉलो करने हैं. अगर आपको सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के एनालिसिस करनी है तो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट डिसाइड करने हैं, सूटेबल कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए सिस्टम के. फिर हमें देखना है कि उसकी मीन पोजीशन से उसको डिस्टर्ब करना है. ठीक है, नेक्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है जो मास एलिमेंट है उसका, और लास्ट में आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन उसमें लगाना है, सेकेंड लॉ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाना है, और इसका मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स. तो अब हम एक सिस्टम लेंगे, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, और उसमें ये सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे और देखेंगे किस टाइप से हम इसको एनालाइज करते हैं. देखिए, अब एक सिस्टम हम लेने वाले हैं, सपोज दिस इज माय सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम. ये मेरा सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, एक मास है, एक आपका स्प्रिंग है. ठीक है, अब पहले इसमें कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जब ये मास नहीं था, ठीक है, तो स्प्रिंग की पोजीशन ये थी आपकी, जब मास नहीं था तो स्प्रिंग की पोजीशन कहीं पर यहां पर थी. इसका मतलब जो ये डिफ्लेक्शन हुआ है यहां से यहां तक स्प्रिंग में, इसको हम बुलाते हैं स्टैटिक डिफ्लेक्शन.
is called as static differential. क्या हुआ, जैसे ही आपने स्प्रिंग में मास लगाया तो वेट के कारण मास में कौन सा फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लगाया इसने, वेट mg, तो नीचे गया गया। अब ये स्प्रिंग फोर्स भी उस टाइम बढ़ रहा था, पीछे की तरफ लग रहा था, तो एक ऐसी वैल्यू आती है जहां पर वेट और स्प्रिंग फोर्स दोनों बराबर हो जाते हैं, उसी को स्टैटिक इक्विलिब्रियम बुलाते हैं। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कब होगा इसका, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ये रुक जाएगा मास, दैट मींस एम जी बिकम्स इक्वल टू द स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स मींस के स्टैटिक डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहां से आप के बाई एम अगर निकालोगे, के बाई एम क्या हो जाएगा आपका, जी डिवाइडेड बाई डेल स्टैटिक, ठीक है। अब देखिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है रूट के बाई एम, फ्री बॉडी फ्री वाइब्रेशन है, तो फ्री वाइब्रेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है रूट के बाई एम। अब रूट के बाई एम को आप क्या ले सकते हो, जी बाई डेल स्टैटिक, डेल स्टैटिक, दैट मींस नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री वाइब्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड एज दी अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय द स्टैटिक डिफ्लेक्शन, इस टाइप से भी आप इसको निकाल सकते हो। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका कि स्टैटिक डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। अब हमें इससे मतलब नहीं है, मेरा सिस्टम ये है, अब मुझे एक्चुअली मेरा सिस्टम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम कौन सा है, ये वाला, इसको मैं डिस्टर्ब करूंगा। पहले क्या थी कंडीशन वो मैंने आपको बता दी, मास्क लगाने से पहले क्या कंडीशन थी स्प्रिंग की, बट आफ्टर मास यहाँ पर ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये इसका स्टैटिक इक्विलिब्रियम, नाउ दिस इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब आप क्या कीजिए, इसको डिस्टर्ब कीजिए, इसको नीचे की तरफ ले जाइए, ठीक है। आपने इसको इनिशियल डिस्टर्बेंस दे दिया और उसके बाद इसको रिलीव कर दिया, तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, ये कुछ ऐसी पोजिशन आएगी, मान लीजिए ये यहां पहुंच गया, पहुंच, ठीक है, आपने इसको डिफ्लेक्ट किया, यहां पर ले गए, ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि इसके अबाउ के वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से वाइब्रेट करता रहेगा, ऊपर जाएगा करेगा, तो इस मास पे कुछ फोर्सेस लगेंगे, ठीक है, और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस पे मैं भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला हूँ किसका। सो देखिए पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप था सूटेबल कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट हमने ले दिए हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट है हमारा x, इसके अबाउट हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा ये था कि आप इसका डिस्टर्ब कीजिए सिस्टम को, तो सिस्टम भी डिस्टर्ब कर दिया मैंने, इससे कि वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है मेरा फ्री बॉडी डायग्राम, क्या बनाना है आपको, फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनेगा, मास का बनेगा। तो मास को फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप, तो देखोगे यहाँ पर आपको ये तो स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, और ये क्या है आपका एम एक्स डबल, तो अगर इस पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप लगाते हो, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसकी, तो क्या बोला था आपने, समीशन ऑफ फोर्स इक्वल टू एम एक्स डबल। अब फोर्सेस क्या है, फोर्सेस यही है जो अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट मीन्स माइनस के एक्स इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट, इट कैन बी रिटन एज एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन आ गई, इसे इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब इसको आप किस टाइप से लिख सकते हो, अब इसको रब कर देते हैं यहां से, नाउ दिस कैन बी रिटन एज, इसे मास से डिवाइड कर दोगे आप, इट विल बिकम एक्स डबल डॉट प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, एंड दिस कैन बी रिटन एज एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, वेयर ओमेगा इज द रूट के बाय, ठीक है। तो अब ये
सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन किस टाइप से होता है? सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? सॉल्यूशन जस्ट लाइक दिस, ए एन साइन ओमेगा एन टी प्लस बी एन कॉस ओमेगा, ठीक है। इस टाइप के मोशन का जो आपका सॉल्यूशन है वो किस इस टाइप का होगा। अब ये हार्मोनिक है तो इसको आप सिंगल हार्मोनिक में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इस टाइप से दिखा सकते हो, ए वन साइन ओमेगा एन टी प्लस फाइव एंड दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए टू कॉस ओमेगा एन टी प्लस फाइव, ठीक है। तो ये तीनों पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। तो अभी हम फर्स्ट सॉल्यूशन से निकालते हैं, इस टाइप के सॉल्यूशन से। इसमें अगर आप ए एन और बी एन की वैल्यू कैलकुलेट कर दो तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा कंप्लीट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए एन बी एन, कैसे निकालोगे? बाउंड्री कंडीशंस लगा के। तो अभी मैं बाउंड्री कंडीशन लगा रहा हूँ, अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन लगाओगे। क्या है बाउंड्री कंडीशन? एट टी इक्वल टू जीरो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपकी? एट टी इक्वल टू जीरो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बताइए? एक्स इक्वल टू, मान लीजिए आपका एक्स नॉट है, कुछ भी ले लिया आपने, कितना डिस्प्लेस किया उसे? जीरो टाइम में आप उसने पकड़ा और नीचे ले गया, अभी वाइब्रेशन स्टार्ट हुई नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कितना किया आपने? इनिशियल डिस्टर्बेंस बोलेंगे इसको। नेक्स्ट क्या है? एट टी इक्वल टू जीरो एक्स डॉट वेलोसिटी कितनी है? जीरो, क्योंकि अभी वो वाइब्रेट कर ही नहीं रहा, तो वेलोसिटी कितनी है उसकी? जीरो। अब इन दोनों को हम लगाते हैं कहाँ पर, यूज करते हैं इक्वेशन दिस, इसमें पुट किए। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन को लगाते हैं, फर्स्ट वाला, और उसके बाद सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। टी इक्वल टू जीरो तो ये कितना हो जाएगा? जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, और ये कितना हो जाएगा? एक्स एक्स नॉट लिख दीजिए, ये x नॉट आ गया, यहाँ पर कितना हो गया? जीरो प्लस बी एन कॉस ओमेगा एन टी, तो कॉस यहाँ पर देखिए कॉस जीरो कितना होगा? वन। तो इसका मतलब बी एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? बी एन बिकम्स इक्वल टू एक्स नॉट, तो बी एन की वैल्यू तो आ गई एक्स नॉट। अब देखते हैं कि वेलोसिटी वाला, तो वेलोसिटी वाला भी यहाँ कैलकुलेट करते हैं। पहले वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी के बाद उसको t की वैल्यू जीरो पुट कीजिए और वेलोसिटी की वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मुझे बताइए, यहाँ से वेलोसिटी क्या होगी? डिफरेंशिएट कीजिए ए एन, ठीक है, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस कॉस ओमेगा एन टी, और ओमेगा एन टी का क्या होगा? ओमेगा एन, ठीक है, प्लस यहाँ पे कर लेते हैं प्लस बी एन रहेगा आपका, बट कॉस का क्या होगा? माइनस साइन ओमेगा एन टी इंटू ओमेगा एन, ओके। नाउ एक्स नॉट, अब इसमें जीरो पुट कीजिए वैल्यू, ठीक है, टाइम को जीरो पुट कीजिए और वेलोसिटी को जीरो पुट कीजिए, तो वेलोसिटी कितनी आ गई? जीरो आ गई, जीरो इक्वल टू ए एन, देखो जीरो है तो कॉस इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, तो ए एन इंटू ओमेगा एन प्लस ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, ठीक है, बिकॉज साइन दिस, दैट मीन्स ए एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी? जीरो। तो दोनों कॉन्स्टेंट निकल गए आपके, बी एन तो आ गया इनिशियल डिस्टर्बेंस के बराबर और आपका ए एन आ गया जीरो। अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है, सॉल्यूशन दोनों वैल्यूज को आप एक्स में पुट करोगे, देन यू विल फाइंड एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा एन टी, ये सॉल्यूशन। दैट मीन्स हमने सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को निकाला, उसका सॉल्यूशन देखा, तो हमने देखा ये तो हार्मोनिक है, किस टाइप से वाइब्रेट करेगा ये? हार्मोनिक, ठीक है। कभी आपके साइन और कॉस में जब भी इक्वेशन आती है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है। दैट मीन्स इस सिंगल सिंपलेस्ट जो हमारा हमने एज्यूम किया था उसका फाइनल लेंथ क्या आया आपका? हार्मोनिक टाइप। अब इसी सिस्टम को मैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट से भी कर सकता हूँ। अब हम टॉर्जनर, हम कौन सा देखते हैं? टॉर्जनर वाला एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज नाउ माय सिस्टम इज लाइक दिस, तो हमने अभी
एक एग्जांपल देख ली, एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज आपके पास कोई इस टाइप का सिस्टम है, सपोज यू आर हैविंग अ सिस्टम लाइक दिस, ठीक है, और इसमें आपने क्या अप्लाई किया है, पर यू अप्लाई टॉर्क, आपने टॉर्क लगाया, ठीक है। अब इसमें कुछ एज्यूम करते हैं, पहले मान लीजिए जो ये आपका ये रोटर है, ठीक है, तो आपका जे क्या है, जे इज दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटर, ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटर मान लिया आपने। टी वही है टॉर्क अप्लाइड, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड, जैसे वहां पर डिस्टेंस होती थी, यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आपने इसको इनिशियल डिस्टर्ब कितना कर दिया, थीटा अमाउंट पे कर दिया, ठीक है, तो थीटा डॉट क्या हो जाएगा, थीटा डॉट हो जाएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी, इट विल बी एंगुलर वेलोसिटी, एंड थीटा डबल डॉट क्या होगा, एंगुलर एक्सलरेशन, एंगुलर एक्सलरेशन, ठीक। आपने इसके कोऑर्डिनेट ले लिए हैं, सिस्टम बना लिया है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे तो देखोगे इस पर कौन कौन से लग रहे हैं, तो आप देखिए यहां पर क्या है आपका ये वाला, जहां पर आप जैसे वहां पर एम ए होता था यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर एम के जगह पर आई होता है, तो थीटा डबल डॉट, और इसको रजिस्ट कौन करेगा, जैसे वहां पर के था, यहाँ पर के टी लेते हैं, ठीक है, स्टिफनेस को क्या है, टॉर्जनल स्टिफनेस, इस कॉल्ड एज दी टॉर्जनल स्टिफनेस, ठीक है, तो इसका अपोज कौन करेगा, इस टाइप से क्या रहेगा, के टी इंटू थीटा, तो अब इनका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, और इसमें इक्वेशन क्या बन जाएगी, आप लगाओगे सेकंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, तो क्या बोला उसने, टॉर्क किसके बराबर होगा, आपकी बात जो नेट टॉर्क है आपका वो किसके बराबर होगा, आई थीटा डबल डॉट, और वो कितना है, के टी इंटू थीटा इक्वल टू आई थीटा डबल डॉट, दैट विल बिकम आई थीटा डबल डॉट प्लस kt into theta equal to 0, and this can be written as theta double dot plus kt by I into theta equal to 0, now this can be written as the double dot plus this is your angular velocity in case of torsional, ठीक है, और इसका square इंटू थीटा को इक्वल टू जीरो, तो एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा एन से रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो नाउ हाउ व्हाट इज दी टॉर्जनल स्टिफनेस, अब स्टिफनेस का आपको मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था, स्टिफनेस क्या होती है, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द यूनिट डिफ्लेक्शन, तो यहां पर फोर्स नहीं है, टॉर्क चाहिए यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए, टी बाई थीटा, तो हमें टॉर्जनल इक्वेशन से आपको पता है टी बाई थीटा क्या होता है, प्योर टॉर्जनल इक्वेशन हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, टी बाई जे इक्वल जी थीटा बाई एल इक्वल टू टाउ बाई आर, ठीक है, ये इक्वेशन होती है फॉर प्योर टॉर्जनल की, तो यहाँ से टी बाई थीटा निकाल लीजिए आप इस इक्वेशन में से, व्हाट इज टी बाई थीटा, थीटा को यहाँ पर ले जाइए जी जे बाई एल, एंड दिस इज ऑल्सो योर के टी टॉर्जनल स्टिफनेस, ओके, दैट मींस टॉर्जनल स्टिफनेस इज जी जे बाई एल, वेयर जे इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटर, एल इज द लेंथ ऑफ द दिस रॉड, एंड दिस इज द कांस्टेंट, ठीक है, ये शियर कांस्टेंट से हम बोलते हैं, शियर मॉडुलस और शियर कांस्टेंट, तो इस टाइप से हमने देखा इस लेक्चर में कि फ्री बॉडी फ्री वाइब्रेशंस होती क्या है, जिस वाइब्रेशन के अंदर आपको इनिशियल डिस्टरबेंस देना होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना होता, उसी को फ्री वाइब्रेशन बुलाते हैं, फ्री वाइब्रेशन जो सिस्टम होता है वो अपनी ऑन नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, और जिसका एम्पलीट्यूड फिक्स रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है,
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होता, क्योंकि उसमें डैम्पिंग नहीं होती तो एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी, डिसिपेट नहीं होगी तो फिर आपका कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है। ऐसा सिस्टम, सिंपलेस्ट वाइब्रेटिंग सिस्टम, जहाँ पर एक ही मास हो और एक ही स्प्रिंग एलिमेंट हो, उसको हम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम बुलाते हैं। इसके लिए आपको एक ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है उसके मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए। तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक एग्जांपल हमने लिया, उसमें एनालिसिस की, तो हमने उसमें प्रोसीजर देखे। प्रोसीजर पहले क्या होता है, पहले आप सूटेबल कोऑर्डिनेट क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो। कोऑर्डिनेट किस बेसिस पे होगा, टॉर्शनल है या आपका ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडल है, किस टाइप की वाइब्रेशन होगी उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट डिसाइड करोगे। कोऑर्डिनेट डिसाइड होने के बाद आप उसका फ्री पर उसे डिस्टर्ब करोगे। सेकंड स्टेप क्या होगा, डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां से उसको डिस्टर्ब करोगे। थर्ड, जब वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा सिस्टम, तो उसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे जिसमें एक्टिव और रिएक्टिव फोर्सेस दिखाओगे, सभी एक्शन रिएक्शन फोर्सेस दिखाओगे, और उसके बाद उस सिस्टम में आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाओगे जिससे कि आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो थैंक यू।